मैं तुम्हें मां कह दूंगा। अच्छा, लेकिन तुमने मुझे तो बता दिया कि मैं तुम्हारा पुत्र हूं। हाँ। और मुझे पता चल गया कि तुम मेरी माँ हो। अच्छा, लेकिन किसी और को मत बताना। कैसी बातें करते हो करण, आज मैं पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बताऊंगी कि करण मेरा बेटा है और ये कुंती इस करण की माँ है। अगर तुमने दुनिया को चिल्ला चिल्ला करके बता दिया, हाँ, तो पांचों पांडवों की 13 साल की तपस्या बेकार हो जाएगी। कैसी बात करते हो करण, एक आदमी को बिल्कुल मत बताना। किसको ना बताऊं? जब ही मैं तुम्हें माँ कहूंगा। अच्छा, सुनी मेरी बात। सुनाई अपनी बात। से समुंदर मानो धर्म युधिष्ठर, धर्म युधिष्ठर से मत कहिए यो करण तुम्हारा भाई। क्या नहीं होने देते? मुझे आज बड़ा अफसोस है कि मेरे होते हुए, मेरी माँ जिंदी होते हुए और मेरे छोटे भाइयों के साथ में मेरी आंखों के सामने जो हुआ, आज मुझे बहुत भारी अफसोस है। तुम्हें हो या ना हो, लेकिन इसकी इसके गुनहगार मैं नहीं, इसकी गुनहगार भी तुम हो। मैं क्या नहीं होने देता, तुम्हें पता है क्या नहीं होने देते?
पहले खुल जा भेदी अगर, अच्छा ये पहले खुल जा भेदी अगर, मैं जाल रचान ना देखा अपने घर की लाज बहू, अच्छा दरबार में जाए ना देखा। जो तेर है साल, जो तेर है साल, बनों में काटे वो कष्ट उठाने ना देता। चाहे इंद्र करता, चाहे इंद्र करता, जोर चीर के मैं हाथ लगाने ना देता, हाथ लगाने ना देता। अरे इतनी कह के करने बली की, इतनी कह के करने बली की, मरते चाहती आई मत कहिए। पांडवों को जुए में हरा दे, दुर्योधन की क्या ताकत थी कि पांडवों को 13 साल का दिसोटा दे दे, दुशासन की क्या ताकत थी कि द्रौपदी के चीर के हाथ लगा दे, लेकिन ये सब तुम्हारे कारण हो। पांडव विजय के कगार पे हैं, पांडव की दुनिया में विजय होने जा रही है। अगर पांडवों की आज हार हुई, पांडव की अगर आज हार हुई, तब पांडव की हार भी तुम्हारे कारण होगी। मेरे कारण होगी? हाँ। वो कैसे होगी? अगर तुमने ये भेद बता दिया तो। अच्छा, क्या होगा? क्या होगा? पहले बता रहा हूँ, पहले आगाज कर रहा हूँ। अच्छा। डोल के मंजिल डोले आए। अच्छा। हो हृदय अंदर, उनके हृदय अंदर भाव छुले, वो तो छुले छुलाए रह जाएंगे। अरमानों के बाण जोर में 15 दिन हो गए हैं पांडवों को युद्ध करते करते, और 15 रोज से पांडवों ने किसी को हाथ नहीं दिया। अरे अरमानों के बाण जोर में तुले तुलाए रह जाएंगे। और भेद बता दिया तो क्या होगा? क्या होगा सजना? लिखने वाले कवि के लिए लाइन सुनकर के पंडाल तालियों से गूंजना चाहिए। तेरी बहू के, हाँ अगर भेद बता दिया तो क्या होगा? तेरी बहू के हाँ। केस जगत में खुले खुलाए रह जाएंगे। तेरी भी क्या, मेरी भी माँ, तेरी भी क्या, मेरी भी माँ, इसमें मान भलाई धर्म निष्ठा से मत कहिए। दशरथ को तुमने जाकर के ये बता दिया कि करण तुम्हारा बड़ा भाई है और मैं करण की माँ हूँ, हाँ। और तुम भी, तुम मेरे 5 नहीं, तुम मेरे 6 बेटे हैं, हाँ। तो वो धर्म युधिष्ठिर से कसम और धर्म उठवाएंगे आपस में, तुमसे भी कसम धर्म पर बात आएगी कि माँ कुंती धर्म उठा करके कहो कि करण हमारा बड़ा भाई है। अच्छा। और तुम धर्म उठाओगी, और जब धर्म उठ गया तो वो आपस में
वो अब युद्ध नहीं करेंगे फिर। क्या करेंगे फिर? वो बिना लड़े ही मर जाएंगे। कैसे मर जाएंगे? अरे भेद बात का खुल जागत है, नेमर धर्म उठ जागे। एक बोल पे पता नहीं किस किस के पर न टूट जागे। मुझसे पहले मुझसे पहले भीम बलि के तन से प्राण छूट जागे। कुछ मरे कटारी कुछ मरे कटारी मार और कुछ विष के घूंट घूंट जागे। विष के घूंट घूंट जागे। फैसले हैं। अच्छा। आज लाभ और हानि तुम्हारे हाथ में है। अच्छा। आज पांचों पांडवों का जीवन और मरण तुम्हारे हाथ में है। अच्छा। आज यश और अपयश भी तुम्हारे हाथ में है। अच्छा। आज दुख और सुख भी तुम्हारे अपने हाथ में है। अच्छा। आज ऊंच और नीच तुम्हारे हाथों में है। बताओ कौन सा फैसला तुम्हें मंजूर है? अगर ये सच्चाई क्या तुम इस भेद को बताओगी? अगर मैं ये भेद ना बताऊं तो इसमें मेरा कौन सा फायदा है करण? तुम्हारा सारा फायदा है। कैसा फायदा? तुम्हारा इतना बड़ा फायदा है कि तुम सोच भी नहीं पाओगी। कितना बड़ा? 15 दिन युद्ध को चलते चलते हो गए। तुम्हारे पुत्रों को बाल भी बांका नहीं हुआ। नहीं हुआ। अगर और भी आगे अगर ये युद्ध 15 दिन और भी चले और जितने भी दिन चले तुम्हारे पुत्रों को बाल बांका नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? सुनिए, दुनियादारी के झंझट में मान के झोंक बैठ जाता। इज्जत और आबरू धन की सहके लूट बैठ जाता। इन बातों का जिक्र राजवल भर के घूंट बैठ जाता। फिर पता नहीं लड्डन सिंह किस पर्वत ऊंट बैठ जाता।